वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। इस हफ्ते से प्रॉपर्टी प्लस में हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अब से हर बार हम आपको हर हफ्ते इस शो में एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे और उस प्रोजेक्ट को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज आएं जो पूरी तरह से सुरक्षित हों, ठीक हों, बिल्डर का बैकग्राउंड अच्छा हो। ऐसे प्रोजेक्ट हम दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे जो किसी तरह से विवाद में फंसे हैं या डेवलपर ने ठीक काम नहीं किया है, लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट से बिल्कुल बाहर हैं। हम उन्हीं प्रोजेक्ट को आपके पास लेकर आएंगे जिनमें आप और आपका पैसा सुरक्षित हो। तो इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्ती रियल्टी का एक प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है ठाणे में। चलिए देखते हैं कैसा है ठाणे का ये प्रोजेक्ट। अगर मुंबई में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ के घर आपके बजट में नहीं आ रहे हैं तो ठाणे आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ठाणे पूरी तरह से संपन्न और उभरते हुए प्रॉपर्टी मार्केट के तौर पर सामने आया है। ठाणे वैसे देखो तो मुंबई का इमीडिएटली नेक्स्ट एमएमआर का सिटी आ जाता है। कनेक्टिविटी ठाणे मुंबई से काफ़ी अच्छी है। ठाणे का एडवांटेज है कि ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है जहाँ पे लोगों को लाइफस्टाइल एमिनिटी डेवलपर दे पा रहा है। उस वजह से ठाणे की डिमांड ठाणे वासी के लिए तो है ही, ठाणे करके साथ साथ में मुंबई के रहने वाले या मुंबई के आगे एमएमआर में रहने वाले हैं, कल्याण उल्लासनगर को भी ठाणे एज अ प्रिफर्ड लोकेशन पसंद आता है। मुंबई के दूसरे उपनगरों के मुकाबले ठाणे का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से रोड और लोकल ट्रेन के जरिए ठाणे मुलुंड विक्रोली समेत कई उपनगर और नवी मुंबई से काफी अच्छी तरह से कनेक्ट है। इन्हीं सब कारणों के चलते ठाणे में सस्ते घरों से लेकर लग्जरी प्रोजेक्ट्स की भरमार है। ठाणे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी आ रहा है। ऑलरेडी ठाणे लेक सिटी तो है ही, स्मार्ट सिटी के हिसाब से कमिश्नर वर्किंग कर रहा है। ठाणे में ईस्टर्न फ्रीवे से होके साथ में ठाणे में अभी मेट्रो का भी काम शुरू हो गया है। ठाणे के अंदर काफ़ी नए ब्रिजेस का काम शुरू हो रहा है। ठाणे से फ्यूचर में बोरीवली से ठाणे टनल नेशनल पार्क से होके भी आएगी। ठाणे में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ठाणे इज अ डेस्टिनेशन, जो लोगों को सपने का घर लेना हो तो ड्रीम हाउस के लिए ठाणे इज अ अफोर्डेबल रेंज में, इट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी ठाणे के बालकुमपाड़ा में बन रहे प्रोजेक्ट दोस्ती वेस्ट काउंटी की। दोस्ती ग्रुप ने अब तक करीब 90 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया है और 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। इस बीच दोस्ती ग्रुप ने तकरीबन हर सेगमेंट में हाथ आजमाए जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट समेत रियल और आईटी पार्क भी शामिल है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे सिंगल बिल्डिंग पहले हम करते थे, सिंगल बिल्डिंग में से बड़े प्रोजेक्ट में जंप किया, सक्सेस मिली और बड़े लेआउट प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़े। और अभी दोस्ती ग्रुप का फोर्टेज है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल के साथ साथ में बड़े लेआउट में 10 एकड़ से लेके 25 एकड़, 50 एकड़ की टाउनशिप, या अभी तो हमने ठाणे में 100 एकड़ की टाउनशिप भी लॉन्च की है। दोस्ती वेस्ट काउंटी को दो फेज में बनाया जाना है जिसमें पहला फेज दोस्ती ओक होगा जहां चार विंग्स में 30 मंजिल के टावर्स होंगे। पहले फेज में सिर्फ 2 BHK के ऑप्शंस होंगे। दूसरे फेज में 33 मंजिल की दो विंग्स होगी जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स होंगे। इस प्रोजेक्ट में ढेर सारी एमिनिटीज होंगी, साथ ही ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र रेरा में रजिस्टर्ड है। दोस्ती वेस्ट काउंटी जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंदर अभी फेज़ वन हमने शुरू किया है, सेक्टर वन, जो 19 टावर का कॉम्प्लेक्स है। सेक्टर वन में 19 टावर में 2 और 3 बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैट्स हमने बनाए, डेवलप किए हैं। उसमें हमने अभी 6 बिल्डिंग का काम शुरू किया है। 2 अलग अलग क्लब हाउस है, इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आउटडोर एक्टिविटी भी काफ़ी है, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, लार्ज ओलंपिक साइड स्विमिंग पूल। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉडर्न एमिनिटी के साथ में, विदिन फ्लैट्स भी काफी मॉडर्न एमिनिटी के साथ हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। दोस्ती वेस्ट काउंटी में करीब 91 लाख के 2 बेडरूम घर से लेकर 2 करोड़ के 3 बेडरूम घरों में 5 तरह के विकल्प रखे गए हैं। ये प्रोजेक्ट हमने सेल प्राइस जो हमारे 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं, साइजेस के हिसाब से उसकी प्राइजेस थोड़ी चेंज होती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अभी मिनिमम अराउंड 85 to 90 लाख से लेके 2 बेडरूम के अपार्टमेंट 1 करोड़ 10 लाख ऑल इंक्लूसिव हो जाता है, जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी और सब जीएसटी और सब आ जाता है। तो इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस
और थ्री बेडरूम के फ्लैट है वो 1.40 के आसपास में बैठ जाते हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार होंगे हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो देंगे आपके प्रॉपर्टी के सवालों के जवाब छोटे से ब्रेक के बाद।